हेलो गाइस, अगर आपने अभी तक इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसको आप अपने चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अब है एपिसोड 3। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है, अलीना एक बहुत बड़े स्टैक का सपना देखती है। उसके बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं और फिर वो अचानक से उठ जाती है। फिर उसका लेटर्स दिखाते हैं कि वो मेल को अपने लेटर्स लिखती है, अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि क्या क्या हो रहा है। और तभी वहाँ जीनिया, जो कि ट्रेलर है, वो अलीना के पास आ जाती है। जीनिया के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो कुछ भी फिक्स कर सकती है, जैसे कोई स्कार वगैरह वो भी फिक्स कर देगी, नए कपड़े बना देगी, चेहरा वगैरह सब सुंदर कर देगी, किस टाइप का कर देती है वो। और फिर वो अलीना को एक नया मेकओवर देती है, क्योंकि अलीना तो पहले से इसी लड़ाई वड़ाई से आई हुई थी, तो उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है, उसके बाल बाल सब ठीक कर देती है, उसका फेस अच्छा कर देती है। अब अलीना को किंग और क्वीन से मिलना था, इसलिए जीनिया उसको तैयार कर रही थी और वो उसके स्कार से मिटा रही थी। तभी वो उसके हथेली पे एक स्कार था, वो भी उसे मिटाने की कोशिश करती है, बट अलीना मना कर देती है कि नहीं, इसे मत करो। उधर दूसरी तरफ कंडक्टर कैज इनेज़ो जेस्पर को बताता है कि एक हार्ट ट्रेंडर है नीना, वो हमारी हेल्प करेगी पैलेस में जाने के लिए, क्योंकि नीना बिलीव करती थी कि तुम चाहे ग्रीशा हो या नहीं, बट ये तुम्हारी च्वाइस होनी चाहिए कि तुम्हें सर्व करना है या नहीं। फिर नीना का दिखाते हैं, वो एक होटल वाले को वहाँ हिप्नोटाइज करती है और उससे कहती है कि यहाँ पर कंडक्टर और उसके फ्रेंड्स आएंगे तो उनको रूम में भेज देना। जब वो रूम में जाती है तो पैकिंग कर रही होती है, वहाँ पे फेयरडेंस आ जाते हैं जो कि ग्रीशास को पकड़ते थे। वो अपनी पावर से उनसे लड़ने की कोशिश भी करती है, बट वो इतने सारे थे कि वो उसके हाथ पैर बांध देते हैं, तो वो फिर अपनी पावर्स यूज़ कर नहीं पाती और वो उसको वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। कंडक्टर कैसो जेस्पर वगैरह वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि यहाँ पर तो नीना है ही नहीं, उसके सामान वामान पड़े हुए थे, और वो समझ जाते हैं कि ड्रुस्किल जो ग्रीसा के हंटर्स हैं वो उसको ले गए हैं। कंडक्टर कहते हैं कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं, अब हम कैसे जाएंगे, पर कैस उसे मनाता है कि नहीं, हम रास्ता पार करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कंडक्टर उन तीनों को कहता है कि ठीक है, हम चलेंगे एक बकरी और बहुत सारा कोयला लाने के लिए कहता है। कैज जेस्पर को रुपए दे देता है कि तुम जाके कोयला ले आना, और सिर्फ कोयला ही लेके आना, बीच में और कुछ मत कर लेना। पर जेस्पर जब जाता है तो उसे गैम्बलिंग करने वाले दिख जाते हैं और वो वहाँ पे पहुँच जाता है। रास्ते में इनेस एक मॉन्यूमेंट देखती है, वहाँ पर उन फोल्ड को पार करने वाले लोगों के नाम लिखे हुए थे जो मर चुके थे, और वो अपने उनमें अपने पेरेंट्स का नाम भी ढूंढ रही थी। और कैस कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स सूली थे तो वो फोल्ड कभी भी पार नहीं कर पाए होंगे, वो इसलिए घूम कर आए होंगे, तो इसलिए तुम यहाँ पर अपने पेरेंट्स के नेम वगैरह मत ढूंढो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नैस के गले में एक लॉकेट था, वो उसके बस अपने पेरेंट्स की निशानी थी, तो वो कहती है बस यही मेरे पास बच जाए और मैं अपने पेरेंट्स को ज़रूर ढूंढूंगी। तो कैस कहता है उम्मीद मत पालो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। एक अजीब सा पर्दा करके अलीना को किंग के सामने लेके जाया जाता है। वहाँ पे अलीना को किरिगन बताते हैं कि ग्रीशा कोई मैजिक नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारी साइंस है, जो हम अपनी साइंस का यूज़ करके कुछ सामानों को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं। अलीना कहती है कि 3 दिन पहले तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास पावर्स हैं। और किरिगन कहते हैं कि बस किंग की परमिशन मिल जाए फिर हम तुम्हारी तैयारी करवा देंगे, तुम प्रिपरेशन में लग जाओगे और फिर हम फोल्ड को नष्ट कर देंगे। किंग के सामने अलीना को लाया जाता है, वहाँ पे किंग अलीना से कहते हैं अपनी पावर दिखाओ, पर क्योंकि वो तो अभी कर नहीं पाती है, तो किरिगन अपनी शेडोज़ को एकदम से उसे लेके आता है, सब कुछ उससे ढक जाता है, अंधेरा सा कर देता है, और फिर वो अलीना का हार्ट टच करता है। जैसे उसका हार्ट टच करता है उसमें से लाइट निकलती है, जैसे सन टाइप की ऐसी रोशनी हो जाती है और सब क्लैपिंग करने लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास सन समनर आ चुका था। वहीं पे किंग किरिगन को परमिशन दे देता है कि अलीना की ट्रेनिंग करवा सकते हो तुम। फिर हम वहाँ पे अलीना को हग करते हैं, और जब जोया हग करती है तो सबके सामने वो ऐसे बड़ी अच्छी से बनती है, और उसके कान में कह देती है कि तुमसे बहुत गंदी बदबू आ रही है, शू कहीं की, मतलब शू, उसका फेस थोड़ा शू टाइप का था ना, वो हाफ शू थी, इसीलिए उसे दुश्मन की तरह ट्रीट करते थे वहाँ पे। एक बोट में नीना को बांध दिया जाता है, और वहाँ पर और भी ग्रीशा इस टाइप से बंधे हुए थे। नीना मतलब उससे पूछते हैं कि कहाँ लेके जा रहे हो, क्या हमें बेचने वाले हो, क्या तुम स्लेवर्स हो, और वो आदमी जो होता है वो उससे कह देता है कि हमारी अदालत में तुम्हारा फैसला हुआ कि तुमने जुर्म किया है या नहीं।
और नीना उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कितने ग्रीशा वहाँ से इनोसेंट प्रूव होते होंगे। तो कंडक्टर का रियल नेम अर्कन था, वो उन्हें रेल की पटरियों पर लेके जाता है जहाँ से उसने एक इंजन जैसी मशीन बना रखी थी और वो उसी के अंदर पे बैठ के उन्हें फोल्ड पार करवाता। वहाँ पर मतलब वो जाने वाले थे, जैस्पर का वेट कर रही थी और जैस्पर भागता भागता आता है, उसके पीछे कुछ लोग भी भागे हुए आ रहे थे। तो जैस्पर सिर्फ 8 किलो ही लेके आया था और जबकि उसे 10 किलो लाना था। आर्यन कहता है कि मैं पहले कभी इतने कम में तो नहीं गया, बट अभी मैं पैसों और कोई चारा नहीं है तो हमें जाना ही पड़ेगा। फिर वो एकदम से ले आते हैं वहाँ से। दूसरी तरफ दिखाते हैं अलीना की नाडिया और मैरी से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और वो उसे ट्रेनिंग के जगह पर लेके जाती है जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही थी। वहाँ पर उनका जो मास्टर था जो उनकी ट्रेनिंग कराता, वो अलीना से पूछते हैं उनसे फाइट करनी आती है और अलीना फ्लैशबैक में पहुँच जाती है जहाँ मैरी ने उसे पंच करना सिखाया था कि मुट्ठी ऐसे बंद करो इस टाइप से। तो वो कहते हैं कि चलो तो दिखाओ फिर। तो अलीना जोया को चूज़ करती है फाइटिंग के लिए और सब से कहते हैं कि जोया 10 साल से ट्रेनिंग कर रही है, 10 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रही है, तुम उसे इतनी हरा पाओगी, उसे और को चूज़ कर लो। वो फाइट करते हैं और फाइट में एक पंच से ही अलीना नीचे गिर जाती है। फिर वो दोबारा उठती है फाइट करने के लिए। फिर वहाँ पे जोया उसे मैल के बारे में कुछ कहती है और जाने लगती है और अलीना उससे गुस्से में पीछे से आके एक पंच मारती है और इस बात से जोया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी जोया अपनी ग्रीशा पावर से अलीना को एकदम से उड़ा देती है और अलीना जैसी गिरती है उसे फिर से वो इस टैग का सपना आता है। तब उसकी आँख खुल जाती है। नाडिया और मैरी उसे बताते हैं कि जब उसे उठाते हैं कि जोया जेलस है कि जनरल तुम्हारे साथ इतना अच्छे से पेश आ रहे हैं, इसलिए वो तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए जोया ज़्यादा चिढ़ रही है, तो उसकी चिंता मत करो। अब वो ट्रेनिंग मास्टर भी जोया को डांटता है कि तुम सन समनर को ऐसे चोट नहीं पहुँचा सकती हो और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। फिर अलीना मैल के लिए लेटर लिखती है कि यहाँ भी सब ऑर्फनेज जैसा है, कि तुम यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, इस टाइप से उसके लिए लेटर लिखती है। फिर अलीना लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर उसे किंग का स्पिरिचुअल एडवाइज़र मिल जाता है। वो अलीना को लोर ऑफ द स्टैग बुक दिखाता है क्योंकि मतलब उससे पूछती है कि स्टैग वगैरह के बारे में। तो उसे बताता है कि जो बोनस मैन जो सबसे पहले ग्रीशा था, उसे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ग्रीशा को मारा जाने लगेगा। तो उसने क्या करा था कि ग्रीशा की पावर को मैग्नीफाई करने के लिए कुछ काल्पनिक जानवर बना दिए थे अपनी उंगलियों की हड्डियों से, और उन जानवरों की हड्डियों को अगर तुम अपने साथ मिला लो अपनी हड्डियों के साथ तो ग्रीशा की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उन काल्पनिक जानवरों को मार कर ही उनकी हड्डियों को अपने साथ जोड़कर पावर बढ़ती हैं। तो जो ग्रीशा उस जानवर को मारता है उसी को उसकी पावर्स मिलती हैं। फिर वो अलीना को एक बुक देता है और उसे बैगरा के पास भेज देता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम होने वाला है, तुम उसके पास चली जाओ। बैगरा ही अलीना को उसकी पावर्स को यूज़ करना सिखाने वाली थी। तो वो वहाँ पे जाती है। बैगरा ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और क्वेश्चनिंग थी। वो अपनी केव में अलीना को बहुत डांटती है कि तुम जनरल के पावर के बिना तो तुम कुछ भी नहीं हो, अपने लिए अपनी पावर से तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। इसे अलीना से कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं हो पाता है, वो अपनी पावर्स कुछ दिखा नहीं पाती है और डांट वाटती सुन पाती है वहाँ से। फिर डिनर में जब अलीना खाना खाती है तो वहाँ पे उसको एक फूड टेस्टर मिलता है जो उससे पहले उसका खाना टेस्ट करेगा कहीं से पॉइजन तो नहीं है। वहाँ पे इवान मरने वालों के नाम अनाउंस करता है जो फाइटिंग में मर चुके थे, जो आर्मी के सोल्जर्स थे उनके, और वलीना को डांटता भी है कि अगर कोई दिन रात मेहनत करे तो कुछ भी हो सकता है, बल्कि वो तो शानदार खाना खा रही है, इसलिए तुम्हें हर वक्त ट्रेनिंग करनी चाहिए अपनी पावर्स को बढ़ाने में। फोल्ड इतने सारे लोगों को नष्ट कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। उधर दिखाते हैं रास्ते में ट्रेन पर वोल्क्रा हमला कर देते हैं और आर्यन कहता है अगर टाइम ज़्यादा लगा तो हम फोल्ड में ही रह जाएंगे, हम बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वोल्क्रा ने उसको नष्ट भी कर रहे थे और वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए थे, तो ज़्यादा वजन होने की वजह से ट्रेन की स्पीड धीरे हो गई थी और आर्यन ने पूरा टाइम सेट कर रखा था कि इतने टाइम में हमें यहाँ से निकलना होगा तभी हम बच सकते हैं, और उनका कोल भी ख़त्म होने वाला था, उन्हें जल्दी करनी थी। स्टाइल में जैस्पर उसको शूट कर देता है वोल्क्रा को और उनकी ट्रेन स्पीड से हो जाती है बाहर, निकल जाती है वहाँ से। फिर रूम में अलीना मैल को लिखती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है, पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी या नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे और मुझे नहीं लगता है मैं सब कुछ कर पाऊँगी, तुम यहाँ होते तो बहुत कुछ अच्छा होता।
और बस यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।